अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं। सो क्रिप्टो करेंसी के मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं लास्ट वीडियो के ऊपर भी, तो मैंने कहा अब ये नेक्स्ट वीडियो उसी में पोस्ट करूँ मैं इसी सीरीज़ में क्रिप्टो करेंसी की। जो लास्ट मुझे क्वेश्चन आया कि साहब इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कोई भी नया बंदा जब इसमें इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा ये फिक्र होती है साहब रिस्क क्या है। मैक्सिमम आप क्या लूज़ करेंगे यार, मैक्सिमम क्या लूज़ करेंगे? जो आप पैसे लगाएंगे वो मैक्सिमम आप लूज़ कर देंगे, ये सबसे बड़ा रिस्क है ये ना, और क्या रिस्क है? ठीक है, जहाँ तक बताया कि पाकिस्तान में ये बैंड है कि नहीं, तो पाकिस्तान में ये बैंड नहीं है भाई, तो आपके ऊपर कोई लीगल कोई केस नहीं हो सकता, कोई आपको आगे पकड़ के नहीं ले जाएगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। जब आपको मैं इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आप खुल के इस पर इन्वेस्ट करें और अपना टाइम सेव करें। सो आपके ऊपर लीगल एक्शन होने का कोई इंशाल्लाह इशू नहीं है। जो दूसरा इशू रहेगा, अगर आपको नुकसान होगा, मैक्सिमम क्या होगा, जितने आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, 50,000 रुपए लगाए हैं, 10,000 रुपए लगाए हैं, वो सारे आपके ज़ाया हो जाएंगे, मैक्सिमम यही होगा ना। सो ऑल जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि हमेशा ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट ये है कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अब अगली बात सुने आप, वर्स्ट के लिए आप प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है, तो हमेशा उतनी पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करें दैट यू आर विलिंग टू लूज, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट आपने सुना होगा कि बहुत वॉलेटाइल है, और ये सेंटेंस आपने पहली दफ़ा नहीं सुना होगा, ये आपने 1.5 दफ़ा सुना होगा कि यार उतने पैसे लगाओ जितने आप लूज़ करने को तैयार हो। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई जुआ है या आप इसके अंदर लगा रहे हैं और वो लाजमी उसने डूबना ही डूबना है, डूबने का सिनारियो नहीं है। सिर्फ ये है कि जब प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं तो उसमें आपके जो टोटल आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगाए हैं, और आपने 1 लाख रुपए की इथेरियम या बिटकॉइन खरीद ली है, अब उसकी प्राइस जब बढ़ेगी तो आपकी ओवरऑल वो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब उसकी प्राइस कम होगी तो आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, इस तरह का सीन नहीं है, क्योंकि अब दुनिया भर में बिटकॉइन की मार्केट इज़ $1 ट्रिलियन मार्केट, ये पैसा एकदम से नहीं उड़ सकता, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में भाई आप कह लीजिए इंटरनेट ही खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, तो आई कैन टोटली एग्री विद दैट, लेकिन ये कि शॉर्ट टर्म में 2-4 सालों के अंदर, जितने कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है, ये एक हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमने आना है, पैसे लगाने हैं, प्रॉफिट निकालना है, बाहर निकल आना है, ये एग्जिट स्ट्रैटेजी है। तो ये नहीं कि हमेशा 50 साल के लिए आप लगा करके, ऐसा तो है सीन है नहीं। सो रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपने पैसे लगाए, आपको समझ नहीं आई, आपने जिस रेट के ऊपर आपने परचेज किए 2 दिनों बाद उससे रेट कम हुआ, आप टेंशन में आ गया यार रेट कम हो गया, फ़ौरन आपने बेच दिए, तो क्या हुआ, क्या मतलब नुकसान हो गया ना। तो लॉस हमेशा तब होगा, एक सोच अपने अंदर घोल कर डाल लें, लॉस वुड ओनली हैपन अगर आप अपनी परचेजिंग की प्राइस से लो प्राइस पे बेचेंगे। आपने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन खरीदा जिसकी प्राइस है अभी 70 लाख रुपीज़, 70 लाख रुपीज़ के रेट पे आपने बिटकॉइन कोई थोड़ी बहुत अमाउंट का खरीद लिया। अब जब ये प्राइस अगर फॉर एग्जाम्पल 50 लाख पे आ जाती है, और आप फिर एकदम घबरा जाते हैं कि हो 70 लाख पे मैंने खरीदा था, अभी 50 लाख पे आ गया, क्या पता ये और ड्रॉप ना हो जाए, मैं बेच दूँ। भाई क्यों बेच रहे हैं, जब आपने 70 पे खरीदा है तो आप 50 पे क्यों सेल करेंगे? जस्ट वेट एंड होल्ड एंड हैव पेशेंस, द प्राइस वुड गो बैक अगेन, ठीक है। तो अब आपको पेशेंस, अब आपने बेचना नहीं है, अगर आपने महंगा खरीद लिया है तो बेचना नहीं है भाई, ये तो बात कान में घोल कर डालने की नहीं। हाँ, तो कहते हैं ना ऑलवेज परचेज एट लोएस्ट एंड सेल एट हाईएस्ट, जब ये प्राइसेस इस तरह ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे, अब जब फुल नीचे जाएगी, अब आपको तो नहीं पता कि यार ये प्राइस नीचे है कि नहीं, ठीक है, बट जिस प्राइस आपको नहीं पता कि यार ये देखें मतलब फ्यूचर में तो कोई ग्राफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो अब जब ये प्राइस नीचे जा रही है, नीचे जा रही, नीचे जा रही है, नीचे जाने का मतलब भी ये है कि कंपेरेटिवली टू द प्राइस दैट यू बॉट एट, आपने फॉर एग्जाम्पल इस प्राइस पर खरीदा, अब ये ग्राफ जो है ना आपने देखा यार अब ये नीचे जाना शुरू हो गया, आप रोज को देख रहे हैं नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब आप इस जहाँ भी आप बेचना चाहें आप बेच दें, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आई मीन खरीद लें, बेचना दें, मतलब ये कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर फुल प्राइस आई, आपको लगा यार ग्राफ ऑलमोस्ट स्टेबल हो रहा है, आप यहाँ पे सेल कर दें, ठीक है। अब जब ये प्राइस दोबारा नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, जब नीचे जा रही है यहाँ पे खरीद लें, फिर जब ये ऊपर जाएगी फिर बेचें, इस तरह आप प्रॉफिट बनाते हो क्रिप्टो करेंसी में, इसको कहते हैं बेसिकली ट्रेडिंग, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का नहीं कह रहा कि आप लोग ट्रेडिंग करें, द पॉइंट बीइंग कि जब मुझे उस पर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब मुझे फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा ओनली देन आई विल टेल यू कि यार आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, वरना आप अभी यूट्यूब पे या कहीं से भी जाके सीख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट मार्जिन हैं, मतलब कि एक एक दिन में अगर 50-50%, 100-100% भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज बढ़ी हैं ऑनेस्टली। रीफ और कार्डानो और ये छोटी छोटी जो कॉइन्स हैं क्या कहते हैं डॉट पोलका डॉट, ये बहुत इनमें लोगों ने 100-100 टाइम इवन 1000 टाइम्स भी लोगों ने अर्न किया, बट वो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, एकदम जब स्पाइक आती है तो खैर उस पर हम बात नहीं करते। पॉइंट इज मैक्सिमम आप सारा कुछ लूज कर जाएंगे,
और वो तब ही होगा जब आप चाहेंगे अपने आप को लूज करना। सो रिस्क मेरे हिसाब से ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। इसका मतलब कि मैंने जब परचेज़ की है तो परचेज़ करके आंखें बंद करके एक साइड पे वॉलेट में रख दें। अब आपको कहाँ से आपने पैसे लूज़ करने हैं। अब उसके ऊपर जो मैंने वॉलेट का बताया था कि कॉइन बेस में आपने एक दफ़ा खरीद के बिटकॉइन या इथेरियम रख दिए हैं, और उसकी प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रही है तो घबराना नहीं है यार, जब प्राइस ऊपर वापस जाएगी। सो जस्ट होल्ड देम, एक दो साल होल्ड करें, आपको लाजमी इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। तो ये तो बात हो गई सिर्फ खरीद के लेके इन्वेस्टमेंट करने की। ये मैंने डिटेल से अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट 101 वीडियो कोर्स में बताया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको सारी उसकी डिटेल मिल जाएंगी। उसका जाके अगर आपका इंटरेस्ट है किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, आप जाके उसको कोर्स को आप जाके उस कोर्स को परचेज करें, लर्न करें, उसमें एनरोल हों। दुनिया भर से इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, जो मेरी वीडियोस देखते थे, जो पहले व्लॉगिंग की मेरी ऑडियंस थी, वो लोग भी आए हैं और आकर, उसके अलावा भी जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उन्होंने देखा हाँ भाई को इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो लोगों ने आके उससे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया एंड दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग। बेशक जितनी मर्जी अमाउंट हो, 5,000 हो, 10,000 हो, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप लाखों रुपए लगा दें, ठीक है। उतने लगाएं जितने आपके पास साइड में थोड़े से पड़े हैं, आप कह रहे हैं यार ये तो ऐसे ही पड़े हैं, ज़रा इसको वरना मैं लगा देता हूँ, उतने लगाएं बस। ये नहीं कि जी गाड़ी घर बला सब बेच के पैसे लगा दिए, हालांकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें भी कुछ नहीं होगा, बट द पॉइंट है जब प्राइस ऊपर नीचे हो गया ना तो आपका दिल ऐसे करके आगे पीछे मूव करेगा, इसलिए टेंशन उतने उतनी टेंशन नहीं जितनी आप सह सकते हैं, तो थोड़ी बहुत लें लेके लगा दें, बट द पॉइंट इज कि इसने प्राइस ने इंशाल्लाह ग्रो करना है। सो नंबर वन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज के ओनली इन्वेस्ट दैट यू आर विलिंग टू लूज। वर्स्ट केस में इंटरनेट तबाह हो जाएगा, दुनिया पे एटम बम गिर जाएंगे, तो फिर भी क्या होगा, उतनी अमाउंट ही आगे जाएगी ना। दूसरी बात यह है कि ऐसा होने नहीं वाला है इंशाल्लाह। सो जितनी अमाउंट लगाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मैंने फर्स्ट टाइम लगाए थे 50,000 रुपीज़, फिर मैंने लगाए 1 लाख रुपीज़, फिर मैंने लगाया 1.5 लाख रुपये, फिर मैंने और लगाया। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है यार कि मैं बार बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मुझे फिर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। मैंने ट्रेडिंग में कोई 40-50-60,000 मैंने लूज़ भी किए हैं, उस लूज़ करके मैंने लर्न किया, उसे फिर मैंने दोबारा वो अर्न कर लिए। तो पॉइंट इज कि आप लर्न करते हो अपनी मिस्टेक से। सो इंशाल्लाह मैं ट्रेडिंग का अलग से बताऊंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जस्ट पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ऐसे समझें कि आपका भाई है, खुद भी सीख रहा है, आपको भी बता रहा है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। कमेंट सेक्शन में जो दिल में आ रहा है, साम भाई ये मुझे क्रिप्टो के बारे में ये नहीं पता, ये नहीं पता, लिखें, आप लिखेंगे तो फिर उसको मैं देख के मैं और वीडियोज़ बनाऊंगा, ठीक है। सो दिस हसाम टीचर्स प्लेटफॉर्म ये मैंने बनाई आपके लिए कि यार जो बंदा मेरे कोर्सेज नहीं परचेज कर सकता, हु कैन नॉट अफोर्ड दोज कोर्सेज, क्योंकि कोर्स की प्राइस 5,500 रुपीज़ है, उसमें मैं अक्सर जब फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट भी दे दूँ तो 4,900 का हो जाता है। नॉट एवरी वन कैन परचेज इट, नॉट एवरी वन कैन लर्न फ्रॉम इट। सो आप लोगों के लिए मैं फ्री वीडियोज़ बना रहा हूँ। कोर्स का ये है कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, और ऑब्वियसली बात है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है सारा वो कोर्स, बट स्टिल ये वीडियोज़ भी आप लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे होपफुली बनाता रहूँगा। असाम टीचर्स यूट्यूब पर भी, असाम टीचर्स इधर अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल हाफिज़, आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चन। ओके, अल हाफिज़।